वीडियो को शुरू करने के पहले हम आपको बताना चाहेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इस लाल सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें। यदि आप इस बेल आइकन को प्रेस करते हो तो ही आपको हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आएंगे, वरना आपको हमारे जो नए अपलोड होते हैं या जो वीडियोस हम अपलोड करते हैं उनकी जानकारी आपको नहीं मिलेगी और जो लेटेस्ट वैकेंसीज होती है जॉब वैकेंसीज उनसे वंचित रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आज हम आपके लेकर आए हैं वसई विरार शहर महानगर पालिका में निकली हुई भर्ती के बारे में। वसई विरार महानगर पालिका में भर्ती निकली है और इस पोस्ट को यदि आपको अप्लाई करना है तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे कि आप किस तरीके से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो और जॉब पा सकते हो जो कि वसई विरार शहर महानगर पालिका में हो रही है। तो देखा जाए तो ये जो वैकेंसी है वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा होने वाली है, तो अप्लाई करने के लिए आपको वॉक इन इंटरव्यू अटेंड करना होगा जो कि विरार यानी महाराष्ट्र में हो रहा है। तो देखा जाए तो ये जो वैकेंसी है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के पोस्ट के लिए हो रही है और इस जॉब के संबंधित और अधिक जानकारी बड़े विस्तार में पानी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने आपको दो लिंक्स प्रोवाइड की है जिस पर आप क्लिक कर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पे आ सकते हो। और ये दो लिंक्स हमने आपको जो दिए गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की और ऑफिशियल वेबसाइट की, उसे एक्सेस कर सकते हो और आसानी से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो जो कि वसई विरार महानगर पालिका में हो रही है। तो देखा जाए तो ये जो वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के पोस्ट के लिए हो रही है। नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर कम है, पर आप ये ना देखें नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है या ज्यादा है, यदि आपको सिलेक्ट होना है तो एक वैकेंसी की जरूरत है और उस एक वैकेंसी पर नजर रखकर आप इस पोस्ट को अप्लाई करें जो कि वसई विरार में हो रही है। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर 12 पास होना जरूरी है, यानी मिनिमम 12वीं पास उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हो एज पर रूल्स कहा गया है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स के आधार पर आपको यहाँ पर एज लिमिट आपका होना जरूरी है। स्टार्टिंग जो डेट है अप्लाई करने की वो 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और अधिकतम आप यहाँ पर देख सकते हो वॉक इन इंटरव्यू जो हो रहा है 11 अक्टूबर को हो रहा है और उसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी देखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो वसई विरार शहर महानगर पालिका के द्वारा ये पीडीएफ जो है जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हो एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया गया है, इस एप्लीकेशन फॉर्मेट को आपको फिल करना है और इंटरव्यू के दिन आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है भरकर लेके आना है। 11 अक्टूबर को ये वॉक इन इंटरव्यू हो रही है और अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 12वीं पास होना जरूरी है। कंप्यूटर आपको ऑपरेट करना आना जरूरी है, एमएस ऑफिस एक्सेल पावर पॉइंट का आपको नॉलेज होना जरूरी है। एक्सपीरियंस आपके पास हो तो अच्छी बात है, मिनिमम 5 साल का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। 18 to 45 ईयर्स के उम्मीदवार इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं और वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा भर्ती हो रही है तो जो भी उम्मीदवार अप्लाई करना चाहते हैं तुरंत अप्लाई कर जो एप्लीकेशन है निश्चित करिएगा। और ऐसे जॉब्स की जानकारी यदि आपको पाते रहना है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है लेटेस्ट सरकारी नौकरी गवर्नमेंट जॉब्स और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजर के पोस्ट के लिए भर्ती हो रही वसई विरार मुंबई महाराष्ट्र में भर्ती हो रही है। तो जो भी हमारे उम्मीदवार महाराष्ट्र में जॉब पाना चाहते हैं तुरंत इस पोस्ट को अप्लाई करिएगा। वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट की भी लिंक हमने आपको प्रोवाइड की है जिससे आपको इस पोस्ट को अप्लाई करने में दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से भर्ती हो रही है, बहुत अच्छी वैकेंसी है वसई विरार यानी मुंबई महाराष्ट्र में भर्ती हो रही है। तो जो भी हमारे उम्मीदवार महाराष्ट्र में जॉब पाना चाहते हैं या विरार या वसई में जॉब पाना चाहते हैं तुरंत इस पोस्ट को अप्लाई कर आपका एप्लीकेशन निश्चित करें। और ऐसे जॉब्स की जानकारी पाते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ ये वीडियो आपको दोस्तों के साथ भी शेयर करें। न जाने आपका एक शेयर आपके दोस्त को गवर्नमेंट जॉब दिला दे तो जरूर शेयर करिएगा। हम आपके साथ मिलेंगे ऐसे किसी और वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।